गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सॉरी फॉर द डिले, कुछ ऑब्वियस में इशू आ जाता है मौके पे। हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस पवन, अभी शितिकांत, अक्षज, अभी ने, हर्ष, निखिल, दोज हु आर लाइव राइट नाउ, मुन्ना, नितेश, अक्षज, बिल्कुल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, देखो, फिफ्थ लेक्चर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। माय, एक तो फटाफट से मुझे ये बता दो कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऑल थिंग्स आर क्लियर, वीडियो, ऑडियो एंड पीडीएफ फाइल। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऑडियो में कहीं डिस्टर्बेंस है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। इज देर एनी प्रॉब्लम इन ऑडियो, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है क्या? ऑल थिंग्स आर क्लियर, फटाफट से बताएंगे, सब कुछ क्लियर है जी? यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो सत्युष, सक्षम, अक्षज, ऑल क्लियर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन। और सर्कुलर परम्यूटेशन की जो वीडियो है, वो लास्ट यानी कि रिकॉर्डेड लेसन, जहां पे हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑडियो क्लियर नहीं है? ओके, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है सर्कुलर परम्यूटेशन के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस बन के जा सकते हैं। ऑडियो क्लियर नहीं आ रही क्या? मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एक बारी, यहां से मेरी साइड से तो क्लियर है। जल्दी से एक बार दोबारा से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ऑल थिंग्स आर क्लियर, एंड देन वील स्टार्ट। जी, ऑल थिंग्स आर क्लियर और नॉट, फटाफट से बताएंगे भाई। क्लियर है जी? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, अब जो हमने लास्ट रिकॉर्डेड लेसन के अंदर, थैंक यू सो मच, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सर्कुलर परम्यूटेशन। जिसने भी रिकॉर्डेड लेसन देखा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर बाय चांस आपका रिकॉर्डेड लेसन रह गया है, तो सिर्फ 10 सेकंड के लिए मेरी बात सुनो। हमने क्या बात करी थी कि अगर एन नंबर ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, एन नंबर ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, अगर एन नंबर ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और पी क्यू आर मेरे पास अलाइक प्रोडक्ट है या ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि एक जैसे हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ द परम्यूटेशन या टोटल नंबर ऑफ द अरेंजमेंट कैसे निकालते हैं? एन फैक्टोरियल बाय पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। यानी कि जो चीजें रिपीट हो रही हैं, उनको हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। मेन टास्क तो इतना से था ना, तो यहाँ पे हम लोग मेनली आज सर्कुलर परम्यूटेशन के सारे क्वेश्चन को रिकैप करने वाले हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन बन के जा सकते हैं। और जनरली बताऊं तो सर्कुलर परम्यूटेशन से बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट एज इट इज परम्यूटेशन वाला रहेगा, बस वैल्यू कम हो जाएगी। ये सॉरी, मैं यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है, ये मैंने रिपीटेशन का बता दिया, ठीक है। सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में बात करनी थी हमने रिपीटेशन के अंदर। सर्कुलर परम्यूटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एन मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन या टोटल नंबर ऑफ वेज किसको बोल सकते हैं? एन माइनस वन फैक्टोरियल को। ये छोटी सी मिस्टेक है, ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पे बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया। अब सर्कुलर परम्यूटेशन से मेरा मीनिंग क्या है कि अगर मान लो तीन लोगों की एंट्री हो रही है, ए बी सी, अगर तो इनको लाइन पे बिठाया जा रहा है, तो इसका मतलब थ्री फैक्टोरियल है। और अगर इनको सर्कुलर वे में बिठाया जा रहा है, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा? टू फैक्टोरियल। एक माइनस करके लिखा जाता है, और उसका रीजन भी मैंने रिकॉर्डेड लेसन में बताया, जहां हमने टोटली कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, ठीक है, क्लियर। चलो, बहुत अच्छे। अब यहां पर वन बाय वन डिस्कस करते हैं कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस बन के आने वाले हैं, और एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। देखो क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन सेवन स्टूडेंट्स अरेंज इन अ लाइन एंड अ सर्कल। सात स्टूडेंट्स को एक लाइन और सर्कल पे कितने तरीकों से ऐसे अरेंज किया जा सकता है, ए बी सी डी। देखो, अगर मान लो इनको लाइन पे अरेंज किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सिंपल तरीके से अरेंजमेंट हो रही है, सात लोग हैं, सात ही लोगों को बिठाना है, तो सेवन फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5040, है ना। और अगर मुझे इनको सर्कल पे बिठाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सेवन माइनस वन फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, तो 720 इज द करेक्ट आंसर।
दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, यस डी इज द करेक्ट आंसर जी, डी इज द करेक्ट आंसर। ऐश्वर्या, स्टेटस फॉर यू, अक्षज, दोज हू आर लाइव, जिन्होंने भी आंसर दिया है, सक्षम, बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू के बारे में बात करते हैं। सर्कुलर से देखो जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जी चनक्या, डी इज करेक्ट, वेरी गुड। नितेश, बिल्कुल करेक्ट है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ द वेज इन विच सिक्स मैन एंड फाइव वुमेन्स कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो टू वुमेन आर टूगेदर। हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखो क्या कह रहा है। ये कहता है कि सिक्स मैन है, फाइव वुमेन है, इनको ऐसे सर्कुलर टेबल में बिठाना है कि कोई भी दो वुमेन, नो टू वुमेन आर टुगेदर, वो इकट्ठे नहीं बैठेंगी। नो टू वुमेन सिट टुगेदर। बता सकते हो ए बी सी डी क्या ऑप्शन आएगा इसका, क्या आंसर निकल के आ सकता है? जी डी, लास्ट क्वेश्चन का सभी करेक्ट आंसर दे रहे हो। पीयूष, वंदना, अभिनय, नीरज, अभी, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, लास्ट क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताएंगे। सिक्स मैन को बिठाना है, फाइव वुमेन्स को बिठाना है, और इस तरीके से बिठाना है कि कोई भी वुमेन किसी भी वुमेन के साथ इकट्ठे नहीं बैठेगी। अच्छा क्वेश्चन है जी। सी आंसर दिया है, स्टेटस फॉर यू आपने, सी मुन्ना, बी आंसर। चेक करते हैं जी ए बी सी डी क्या आंसर करेक्ट होने वाला है, देखते हैं। बिल्कुल सी, तो मैक्सिमम तो सी आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 8640, खुशी, नितेश, बिल्कुल। देखो क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ द वेज इन विच सिक्स मैन फाइव वुमेन कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। टोटल नंबर ऑफ द पर्सन कितने हैं, सिक्स मैन है ना, फाइव वुमेन्स हैं, और हमें क्या कह रहा है कि हमें वुमेन को इकट्ठे नहीं बिठाना। अब मैंने आपको पहले क्या समझाया हुआ है, जब भी किसी को इकट्ठे ना बिठाना हो, आप उनको छोड़ दो, बाकी लोगों को बिठाओ। सिक्स मैन सर्कल पे कैसे बैठेंगे? अगर मान लो ये मेरे पास सर्कल है और मैं यहाँ पे सीटिंग दे रहा हूँ मैंस को, मान लो ये फर्स्ट मैन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है, तो मैन कैसे बैठेंगे? 5 फैक्टोरियल, एक कम करके लिख दो। अब वुमेन्स के लिए कितनी जगह खाली रह गई, ये जगह खाली रहेगी ना, क्योंकि तो वुमेन्स को इकट्ठे बिठाना ही नहीं। 3, 4, 5 और 6, 6 सीटें पड़ी हैं, और कितनी वुमेन्स हैं, 5, तो 6 पी 5 कर दो, ठीक है ना। आंसर कितना आया, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई, सॉरी, 120 इंटू 720, 7000 प्लस 00, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड जी, सी इज द करेक्ट आंसर। अभिनय, ऐश्वर्या, अजय, शितकांत, सक्षम, हर्ष, अभी, वंदना, पुष्पा, सभी, सत्युष, चंदना एंड अक्षज, बिल्कुल करेक्ट है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। जिस भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको लगे कि डाउट है, दोबारा से पूछना है, डेफिनेटली यू कैन रेज योर डाउट, और मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते थे कि हम लोग क्या करें, पहले अगर मुझे सिक्स मेंस को बिठाना है और कोई भी वुमेन किसी भी वुमेन के साथ नहीं बैठेगी, हम दूसरे जहां पे बॉय गर्ल वाला क्वेश्चन करते थे, पर वो इकट्ठे वाला होता था ना, तो जैसे मर्जी अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का खुद से आंसर दो, इन हाउ मेनी वेज कैन फाइव पर्सन्स, 5 पर्सन्स हैं, ए बी सी डी एंड ई, सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल इफ बी एंड डी सिटिंग नेक्स्ट टू इच अदर। अगर बी और डी को इकट्ठा बिठाया जाता है तो बताओ कि कितने तरीकों से अरेंजमेंट होगी, और अगर ए और डी को इकट्ठा नहीं बिठाया जाता तो बताओ कितने तरीकों से अरेंजमेंट होगी। आंसर बताएंगे इसका सभी। चाणक्य, अच्छा कोई बात नहीं, हाँ जी, कितने तरीकों से ये वर्क हो सकता है? देखो कितने लोग हैं, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है ना।
ए बी सी एंड डी सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल इफ बी एंड डी सिटिंग नेक्स्ट टू इच अदर। अगर बी और डी को हमें इकट्ठा बिठाना है, यानी कि बी और डी को एक मान लो, ठीक है ना, बी और डी को एक मान के चलो, तो बाकी बचे हुए कौन रह गए? ए रह गया, सी रह गया और ई रह गया। अब बताओगे क्या आंसर आएगा? डी। अजय आपने डी आंसर दिया है, शितकांत 24, मिक्सचर आंसर आ रहे हैं, कोई बी आंसर दे रहा है, कोई डी आंसर दे रहा है, देखते हैं बाकी सभी। 10 सेकंड का गैप ले रहा हूं मैं, फटाफट से इतने बताएंगे क्या क्या आंसर आ रहे हैं। बी और डी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, बी और डी, सी स्टेटस फॉर यू। चलो चेक करते हैं इसका क्या आंसर करेक्ट है। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आ रहा है। फर्स्ट पार्ट है, हमें क्या कह रहा है कि बी और डी को इकट्ठे बिठाना है, लेकिन बिठाना किस पे है? सर्कल पे बिठाना है। तो अगर मैं इनको सर्कल पे बिठाता हूं, इसको तो एक मान लो, तो ये दो, तीन और चार। अब चार लोगों को सर्कल पे कैसे बिठाया जाएगा? 3 फैक्टोरियल। बट ये बी और डी आपस में भी तो अपनी अरेंजमेंट कर सकते हैं ना, हो सकता है बी के बाद डी हो सकता है डी के बाद बी हो, तो आंसर कितना आ गया? 12। सेकेंड पार्ट में हमें कहता है कि ए और डी इकट्ठे ना बैठें। दो तरीकों से कर सकते हो, चाहे माइनस वाला मेथड कर लो, चाहे डायरेक्ट कर लो। अगर ए और डी को इकट्ठे नहीं बिठाना, अगर ए और डी को इकट्ठे नहीं बिठाना, एक बार टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे? टोटल तो 5 है ना, तो 4 फैक्टोरियल से टोटल बैठेंगे, टोटल की बात कर रहा हूँ। माइनस जब मैं ए और डी को इकट्ठा बिठा दूंगा, तो इनको एक मान लो, 1 2 3 4, यानी कि 3 फैक्टोरियल। और ए और डी आपस में घूमेंगे कैसे? 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, यहाँ आ गया 4 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 12। तो 12 12, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। जिस भी स्टूडेंट ने डी आंसर दिया है, वेरी गुड, डी इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। अगर आपको लगता है रिपीट करना, मैं डेफिनेटली रिपीट कर दूंगा। इसका दूसरा मेथड भी निकल के आ सकता है ना, जहां पे हम सब्ट्रैक्शन का ना भी यूज करें तो भी काम चलेगा, और इतना तो कंफर्म हो ही चुका है आप सभी को। यस डी इज करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करता, सेकंड पार्ट को अगर मैं दूसरे मेथड से करता, हमें क्या कह रहा है? ए और डी को इकट्ठे मत बिठाओ। तो पहले ए और डी को छोड़ दो, बैठेगा कौन अब? बी सी और ई। कौन कौन बैठेंगे? बी सी एंड ई। तीन लोग सर्कल पे कैसे बैठ सकते हैं? 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अब मान लो बी सी और ई बैठ गया, अब ए और डी के पास जगह कितनी है? 1 2 और 3, तो 3p2 आ गया ना, यानी कि ये आ जाएगा, तो आंसर विल रिमेन सेम 12। ऑब्वियस ही बात है, सेम ही आंसर आएगा, जैसे मर्जी कर लो, आंसर विल रिमेन सेम। जी ऐश्वर्या, आपने इस मेथड से किया है, बिल्कुल जैसे मर्जी मेथड अप्लाई कर लो, आंसर विल रिमेन सेम। अक्षय जैन ऐश्वर्या, आपने बिल्कुल इसी मेथड से किया है। सब्ट्रैक्शन करो ना करो, दैट इज योर विश, कोई मर्जी मेथड उठा लो, जो आपको क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच लग रही है, ठीक है ना, क्लियर है जी। चले आगे, चलो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। ध्यान रखना, सिर्फ सर्कुलर परम्यूटेशन के यहाँ पे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ मैं, और जितने बन सकते हैं उतने पॉसिबल क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो डेफिनेटली बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, देर आर 3 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स, 4 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स, 5 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड इन अ रो एंड अ सर्कल टेबल, सर्कुलर टेबल। पहले तो हमें इन बॉल्स को रो में बिठाना है, फिर इन बॉल्स को हमें सर्कल में बिठाना है, और हमें बताना है कि आंसर क्या हो सकता है, ए बी सी और डी, क्या आंसर निकल के आ सकता है, बताओ जी, ए बी सी और डी। यहां पे इस वर्ड का ध्यान रखना, आइडेंटिकल का यूज किया जा रहा है, डिफरेंट वर्ड का यूज नहीं किया जा रहा, ठीक है ना। आइडेंटिकल वर्ड यूज कर रहा है यहाँ पे, डिफरेंट वर्ड यूज नहीं कर रहा। आइडेंटिकल का सीधा सीधा मतलब है, अगर ये सर्कल की बात कर रहा है तो यहाँ पे सर्कुलर परम्यूटेशन भी लगेगा, आइडेंटिकल की बात कर रहा है तो यहाँ पे परम्यूटेशन विद रिपीटेशन भी लगेगा, डेफिनेटली दोनों मेथड यूज होंगे यहाँ पे। डी आंसर आ रहा है, नन ऑफ अबव, पीयूष डी स्टेटस फॉर यू, डी चेक करते हैं जी, नन ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर और रॉन्ग? अक्षज आपने आंसर दिया है बी, ओके चेक करते हैं जी।
बाकी सब कहाँ है भाई, कॉपी पेन उठा लो। अरे कहाँ पे वो क्वेश्चन, कैसे सोल्व नहीं कर रहे तुम लोग यार, कैसे मजे वाली बात रहेगी। चलो आ जाओ, अभी बी आंसर दिया आपने, अजय बी आंसर है। चेक करते हैं क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है, बाकी सभी इतने सोल्व करो फटाफट से। देखो क्वेश्चन को समझते हैं, कहता है थ्री आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स आर देयर, तीन आइडेंटिकल, पुष्पा डी पवन बी। चलो फटाफट से मैं इतने सोल्व करता हूँ, इतने आप लोग आंसर दो। हमें कहता है तीन आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स हैं चार, और तीन आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स हैं, पांच आइडेंटिकल रेड बॉल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, पांच चार नौ और तीन 12, 12 हो गई ना। अब 12 बॉल्स सर्कल पे कैसे बैठेंगी, 11 फैक्टोरियल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आइडेंटिकल वर्ड का यूज किया जा रहा है। आइडेंटिकल वर्ड से सीधा सीधा मतलब है कि डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि परम्यूटेशन विद रिपीटेशन की बात हो रही है। तीन ब्लू बॉल्स एक जैसी हैं, चार ब्लैक बॉल्स एक जैसी हैं, और पांच रेड बॉल्स एक जैसी हैं। तो डिवाइड कर दो, तो क्या लग रहा है, सर्कुलर परम्यूटेशन प्लस रिपीटेशन, ठीक है ना, दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं। जी नीरज बिल्कुल चेक करते हैं बी करेक्ट है या नहीं है। सर क्वेश्चन विल बी दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड इन गेट। अजय मैं डेफिनेटली क्वेश्चन ही वहीं से उठा रहा हूँ, और मैं लास्ट में भी बताता हूँ एक चीज, मैंने टाइम टेबल के अंदर थोड़ी सी चेंज की। आज मेरी नैना मैम से भी इसके रिगार्डिंग बात हो रही थी कि और कैसे कोर्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। एक प्लस पॉइंट और लेके आता हूँ आपके लिए, एक बार क्वेश्चंस करते हैं फिर वो डिस्कस करते हैं, है ना। जनरली बताऊँ तो मैंने ना ऑनलाइन, मेरे पास बहुत सारे जनरली रिव्यूज आए, काफ़ी सारे, वरुण सर ने भी मेरे से बात करी इस बारे में कि पेड कोर्सेज में उनको कंटेंट ही नहीं मिल रहा है। जहाँ पे भी पेड कोर्सेज अभी राइट नाउ चल रहे हैं, लेक्चर चल रहे हैं बहुत अच्छे से, लाइव सेशन चल रहे हैं, वही लेक्चर एज इट इज पीडीएफ आपको मिल जाती है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं दे रहे जो जो प्रॉमिस किए जा रहे हैं, है ना। 50 to 60 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं और पीडीएफ उनको प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 मिली हैं, जो कि एक नाजायज सी बात हो जाती है। तो कोर्स को और इम्प्रूव करने के लिए और फिल्टर करने के लिए एक चीज़ की जा रही है, मैं बताता हूँ लास्ट में। अभी इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्टेशन देते हैं। देखो 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब 11 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो जाएगा, 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 5 फैक्टोरियल, तो कट ही हो गया नीचे से ना, बचा 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। अब 3 4 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, 24, तो 8 3 24 और 3 2 6, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6, तो 3 3 9 और 3 2 6, एंड देन 2 से 2 कट हो गया। तो आंसर क्या निकल के आया, 11 × 10 दैट इज 110 × 3 2 6 × 7 42। तो लास्ट डिजिट मेरे पास 2 आना चाहिए, और 5 डिजिट में नंबर निकल के आ रहा है ना, ये आंसर आएगा। चेक कर लो 42 × 11 कितना हो जाएगा, 2 6। एक सेकेंड, कहीं मिस्टेक हुई है इसका मतलब, कहीं मिस्टेक हुई है। 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट हो गया, ओके है जी। 8 3 24 3 3 9, ओके रिपोर्ट है 3 2 6। अच्छा 3 2 6 और 3 3 9, 2 से 2 कट हो गया, 7 3 जा, अच्छा, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने, 11 × 10 ही हो गया 110 × 7 3 जा 21, सिर्फ 21 आएगा, ठीक है। तो 21 × 21 दैट इज इक्वल टू 231, कुछ गड़बड़ है यार, सही है 2310, 2310 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा मैंने सेकंड पार्ट पहले सोल्व कर दिया, सॉरी। चलो 2310 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्लियर कट आ रहा है कि 2310 एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है। अब अगर हम यहाँ पे लीनियर लेके जाते, फर्स्ट पार्ट लेके जाते, तो क्या होता, 11 फैक्टोरियल की जगह क्या हो जाता, 12 फैक्टोरियल हो जाता ना। 11 फैक्टोरियल की बजाय क्या हो जाता हमारे पास, 12 फैक्टोरियल, और बाकी सारी एंट्रीज तो सेम ही रहती, दैट इज 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। बाकी सब एंट्रीज एज इट इज सेम रहेंगी, सिर्फ जो हमें हमारे पास नंबर आ रहा है वो लास्ट में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओनली 12 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो जिस भी स्टूडेंट ने बी आंसर दिया है, बी इज करेक्ट। सर फिर से एक्सप्लेन करो प्लीज, मेरा नेटवर्क इशू है। नितेश आप दोबारा से देख लो एक बारी, आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो।
थ्री ब्लैक बॉल्स हैं, फोर ब्लू बॉल्स हैं, पांच रेड बॉल्स हैं, और सारी आइडेंटिकल बॉल है ना, एक जैसी दिख रही है। अगर रो के अंदर बिठाना है, लाइन में बिठाना है, तो क्या होगा? 12 फैक्टोरियल, दैट इज टोटल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द वेज। रिपीटेशन कर दो, तीन ब्लैक बॉल है, चार ब्लू बॉल है, और पांच रेड बॉल है। अगर सर्कल में बिठाया जाता तो ऊपर एक कम कर दो n-1, लेकिन रिपीटेशन तो अभी भी हो रहा है। बस उसके बाद मैंने सोल्व किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। नितेश, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। जिसने भी बी आंसर दिया, वेरी गुड। पुष्पा, अक्षज, बिल्कुल सही। चाणक्य, खुशी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। चलें, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द 10 कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट सिट टुगेदर। 10 कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्टेट के, जो इकट्ठे बैठ रहे हैं टू डिस्कस अ रिपोर्ट। इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट ऑन द राउंड टेबल। ये लोग राउंड टेबल पे कैसे बैठ सकते हैं, जहां पे एजुकेशन एंड रिवेन्यू मिनिस्टर विल सिट टुगेदर। एजुकेशन एंड रिवेन्यू मिनिस्टर विल सिट टुगेदर। सर, 5 सर इज वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइडेड इन द गेट एग्जाम। ऐश्वर्या, कैलकुलेटर तब प्रोवाइड होगा जब आपके पास ये वैल्यूज होंगी, एक्सपोनेंशियल और लॉग की, जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यूज होती हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पर्टिकुलर वैल्यू ही आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। ठीक है, इन केस अगर वो वैल्यू गिवन नहीं देती तो डेफिनेटली आपको गिवन देगा। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि अगर मान लो क्वेश्चंस आपके पास नियर अबाउट 10 है, और 5 क्वेश्चंस मान लो जिसमें हमें नीड पड़ने वाली है, तो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक्सपोनेंशियल की पावर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, और वहां पे आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी टेबल पता होनी चाहिए। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा क्या क्या आपको गिवन मिल सकती है। जी, आंसर क्या आएगा? डी आंसर दे रहे हैं सभी। विकास, अक्षज, सक्षम, पीयूष, पुष्पा, अक्षज, बिल्कुल बिल्कुल, वे भी वेरी गुड वेरी गुड। जी ऐश्वर्या, वेलकम। नोबिता, सर व्हाट यू कवर इन द होल मैथ सीरीज? डेफिनेटली आई विल कवर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सेकंड हम लोग उठाने वाले हैं कैलकुलस, एंड थर्ड हम लोग उठाने वाले हैं अल्जेब्रा। सेकंड नंबर पे हम लोग उठाएंगे अल्जेब्रा, देन कैलकुलस। ठीक है, और ट्राई करूंगा कि जितना ज्यादा सिलेबस हमारा हो पाए, क्योंकि मैं हर टॉपिक के अंदर तीन तीन लेक्चर लेके आ रहा हूँ ना, रिकॉर्डेड, देन क्वेश्चन ऑन द लाइव क्लास, देन अगेन प्रैक्टिस शीट ऑन द लाइव क्लास। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जी, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो, 10 कैबिनेट मिनिस्टर है ना, ए बी सी डी ई एफ जी है जो भी, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। मान लो 10 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 2 कैबिनेट मिनिस्टर को इकट्ठा बिठाया जा रहा है, तो उसको तो हमें एक मानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और 9 लोग सर्कल पे कैसे बैठते हैं, 8 फैक्टोरियल। लेकिन अब ये दोनों भी तो आपस में अपनी अरेंजमेंट कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल। तो यस, डी इज द करेक्ट आंसर। जिस भी स्टूडेंट ने डी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। मुन्ना, वंदना, बहुत बढ़िया। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6। जी ऐश्वर्या, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये क्वेश्चन खुद से ही बता दो यार, सेम क्वेश्चन है एज इट इज। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 7 कंट्रीज सिट ऑन अ राउंड टेबल। इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट इफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर विल नॉट सिट टुगेदर। इन दोनों को इकट्ठे नहीं बिठाना, और 7 कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे बैठ रहे हैं, क्या आंसर आएगा? अभी किया हमने यार, दो मेथड से ये क्वेश्चन हो सकता है, एक सब्ट्रैक्शन मेथड, एक दूसरा मेथड, जैसे मर्जी कर लो। जैसे मर्जी कर लो। अभी कब तक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा? अभी जनरली बताऊं तो कम से कम 1 महीना आराम से लगेगा, अगर बहुत अच्छे से करना है तो। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जाने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट हमारा जो रैंडम वेरिएबल है और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उसके आगे पार्ट्स आ जाएंगे, है ना, कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइजन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, लॉगरिथम क्या होता है, वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। लॉगरिथम कह रहा हूँ, सॉरी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नोबिता, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, 101% श्योर।
ए आंसर आ रहा है आप सभी की तरफ से, विकास ए, ऐश्वर्या ए, नितेश ए। चेक करते हैं जी, ए इज करेक्ट और रॉन्ग। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेवन कंट्रीज सिट ऑन द राउंड टेबल इन हाउ मेनी वेज कैन द इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर आर नॉट सिट टुगेदर। दो तरीकों से हो सकता है, आप एक काम करो या तो इनका इकट्ठा बिठा दो और टोटल में से माइनस कर दो, है ना, या फिर आप एक काम कर सकते हो ए बी सी डी ई एफ और जी। पहले हम क्या करते हैं, बाकी सबको इकट्ठा बिठा देते हैं, मतलब बाकी सभी को बिठा देते हैं, तो पांच लोग बचे होंगे, एक दो तीन चार और पांच। पांच लोग सर्कल पे कैसे बैठेंगे, 4 फैक्टोरियल। अब इन बाकी बचे हुए इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी सीट्स हैं, एक दो तीन चार पांच, यानी कि 5P2, तो या फिर ऐसा लिख दो, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 × 20 दैट इज इक्वल टू 480 इज द करेक्ट आंसर। 480 इज द करेक्ट आंसर। आप चाहे तो टोटल में से भी माइनस करके कर सकते हो, डेफिनेटली आंसर विल रिमेन सेम, है ना। अगर मैं टोटल वाला केस लेके चलता तो टोटल प्राइम मिनिस्टर कितने हैं, 7, तो सर्कल पे तो इस तरीके से बैठेंगे, और अगर इन दोनों को इकट्ठा बिठाया तो कितने केस हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, यानी कि अब सर्कल पे बिठा दो 5 फैक्टोरियल, वो दोनों आपस में घूम सकते हैं 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, आंसर रह गया 4, अभी भी तो आंसर 480 ही आ रहा है। जैसा मर्जी कर दो, आंसर विल रिमेन सेम ऑलवेज। ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। चोको पैकेट स्टैंड टुगेदर, ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। ओ, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, ये मिसप्रिंट है, इसको मैं ठीक कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलो एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये ऊपर की स्टेटमेंट ऊपर दे रखी है इसकी, ठीक है, बाकी बची हुई स्टेटमेंट ऊपर है। एक बार क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं, देखो क्या कह रहे हैं आपको। इन अ सुपर मार्केट 6 डिफरेंट चोको पैकेट्स, 4 डिफरेंट बिस्किट पैकेट्स एंड 2 डिफरेंट नमकीन पैकेट्स आर देयर, आर अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर लाइन, उनको एक सर्कल में बिठाया जा रहा है, सो दैट चोको पैकेट स्टैंड टुगेदर, बिस्किट पैकेट स्टैंड टुगेदर, नमकीन पैकेट स्टैंड टुगेदर, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। क्वेश्चन दोबारा समझो, 6 हमारे पास चोको पैकेट है, चॉकलेट के कुछ पैकेट है, ठीक है, और 4 हमारे पास बिस्किट्स के पैकेट है जो कि डिफरेंट है, आइडेंटिकल नहीं है, 2 हमारे पास नमकीन के पैकेट है। हम इनको सर्कल पे कैसे बिठाएं कि ये जो आपस में चोको पैकेट्स है ना, ये इकट्ठे बैठे, बिस्किट के पैकेट इकट्ठे बैठे और नमकीन के पैकेट इकट्ठे बैठे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है, बताएंगे जी इसका आंसर, बताओ ए बी सी और डी क्या आंसर आएगा। ए बी सी और डी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी और डी क्या आंसर आएगा, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत अच्छा यूनिक क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे, इतना टाइम नहीं लगाने का। देखो सर्कुलर परम्यूटेशन और परम्यूटेशन में है क्या फर्क, सिर्फ ऊपर टोटल नंबर ऑफ द वेज एक ही तो कम हो रहे हैं, मींस फैक्टोरियल एक कम ही तो हो रहा है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट एक जैसे है, डिट्टो एज इट इज। अक्षज वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। नोबिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सारे वीडियोस देख जाते हैं यार, सब्सक्राइब नहीं करते, है ना तो नहीं, मजाक कर रहा हूँ जी, आपने डेफिनेटली किया होगा। अक्षज वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सत्योष ए, खुशी ए, वेरी गुड। अजय, अजय कहीं गलती हुई है, अजय चेक करो, ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ए इज द करेक्ट आंसर। सक्षम नीरज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो यहाँ पे गेम क्या है,
हमें सिर्फ पहले इनको प्लेस करना है, क्योंकि इनको इकट्ठे बिठाया जा रहा है, तो एक ही मान लो ना, ये हो जाएगा दो और ये हो जाएगा तीन। तो तीन लोगों को सर्कल पे कैसे बिठाया जाएगा, एक कम करके एन माइनस वन, दैट इज 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये 6 लोग आपस में कैसे घूम सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। ये आपस में कैसे घूम सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। और ये आपस में कैसे घूम सकते हैं मेरे भाई, 2 फैक्टोरियल। क्या नहीं करेक्ट है ना? तो आंसर आ गया 2, ये आ गया 720, ये आ गया 24, ये आ गया 2। मल्टीप्लाई बिना किए यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं हम लोग। 2 2 4, 4 यूनिट डिजिट आ गया, 4 चौके 16, 6 यूनिट डिजिट आ गया, 6 दूना 12, 2 यूनिट डिजिट आ गया। तो यस, ए इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर हो जाएगा 6 9 1 2 0 इज करेक्ट। जिस भी स्टूडेंट ने ए आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट है। विकास चौधरी बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐश्वर्या, अभी, वंदना, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। बट दे आर आइडेंटिकल। अजय आइडेंटिकल नहीं है ना? अच्छा, आपने आइडेंटिकल के अकॉर्डिंग आंसर दिया था क्या? अजय अगर आइडेंटिकल होते है ना, तो हम लोग केस क्या लगाते, डिवाइड वाला केस लगाते। अच्छा इसका आंसर बताना, अगर ये आइडेंटिकल होते तो क्या आंसर आता? अगर ये आइडेंटिकल होते फिर आंसर क्या निकल के आता, बिना सोल्व किए बता दो, फैक्टोरियल के अंदर ही। अगर ये चोको पैकेट्स आइडेंटिकल होते, बिस्किट आइडेंटिकल होते, नमकीन आइडेंटिकल होते, फिर क्या आंसर आता? फैक्टोरियल में आंसर बता दो, बताओ। टू चेक करते हैं जी, बाकी सभी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड ऐश्वर्या, अजय, स्टेटस फॉर यू, विकास, सक्षम, खुशी, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सत्युष। चलो, और जनरली स्पीकिंग की पढ़ाने का मजा आ रहा है अब, ठीक है ना? आप लोगों की तरफ से अगर कोई रिप्लाई नहीं आता ना क्वेश्चन का, मुझे भी यार पढ़ाने में ना मजा नहीं आता, कि उधर से तो रिप्लाई आ नहीं रहा, आप लोगों की डेडिकेशन गायब है। तो डेफिनेटली 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छे। देखो क्या है, आइडेंटिकल अगर होगी 2 फैक्टोरियल, बाकी 6 चोको पैकेट तो घूम ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। बिस्किट के घूम नहीं पाएंगे क्योंकि टोटल उतने हैं जितने आइडेंटिकल हैं। नमकीन के टोटल उतने हैं जितने आइडेंटिकल है, तो आंसर घूम फिर के आना तो क्या है, 2 ही आना है ना। तो यस, 2 उस केस में करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8, पीडीएफ में आज कुछ गड़बड़ हुई है चेंज करते टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। अरे बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। एज इट इज सेम क्वेश्चन है, छोटी सी स्टेटमेंट चेंज की हुई है मैंने। ये आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ठीक है ना? देखो क्या कह रहा है, 6 स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ लाइन, एक लाइन में बैठ रहे हैं, 1 टॉफी ईच फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ द टॉफी, 3 तरह की टॉफी है, सच दैट नो 2 एडजसेंट चाइल्ड गेट सेम टाइप ऑफ टॉफी। तो हाउ मेनी वेज आर देयर कि बच्चों को टॉफी मिल सकती है? देखो क्या कह रहा है, 3 टाइप की टॉफी है, 3 टाइप की टॉफी है, और 6 स्टूडेंट हैं, 4 5 6। मैं कितने तरीकों से टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं जो पास पास बैठे हुए स्टूडेंट हैं उनके पास सेम टाइप की टॉफी नहीं पहुंचनी चाहिए, सेम काइंड की टॉफी नहीं पहुंचनी चाहिए। सुपर क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन। बताओ, मान लो ये ए बच्चा है, ये बी बच्चा है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, ये एफ है। कितने तरीकों से इनको टॉफीज हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर सेम काइंड की टॉफी इनको नहीं मिलेगी, यानी कि इन दोनों के पास सेम नहीं होगी, इन दोनों के पास सेम नहीं होगी, इन दोनों के पास सेम नहीं होगी, चलता जाएगा। बताओ क्या आंसर आएगा, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। सेकंड का छोटा सा हिंट देके जाऊंगा, पर मुझे आंसर बताना है इसका आप लोग कमेंट में, ठीक है? क्या आंसर आएगा भाई, सोच रहे हो? डेफिनेटली बताऊं तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस लॉजिकल क्वेश्चन है, माइंड में ही आंसर निकल जाएगा। सोचो, टाइम लगा रहे हो, अच्छी बात है, और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। सोचो, गलत आंसर मत देना, ट्राई करना कि सही हो विद लॉजिक।
क्या आंसर आएगा भाई, क्या बात। सिक्स स्टेटस फॉर यू। ओ शायद गलत है। सत्युष जी आंसर दिया आपने 96, नीरज 120। नीरज जी 120। यस 120 इज करेक्ट। ऐश्वर्या 9। पीयूष एक्सप्लेन अगेन। पीयूष जी 6 बच्चे हैं, 3 टाइप की टॉफी है, हर बच्चे को टॉफी मिल रही है, बट एडजेसेंट स्टूडेंट पास पास बैठे हुए सेम बच्चों को सेम काइंड की टॉफी नहीं मिलेगी। वन ट्वेंटी करेक्ट है क्या, जल्दी बताएंगे नीरज जी, जल्दी से जल्दी से। अरे बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है यार, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, और गूगल पे मत सर्च करना, अपने माइंड में सर्च करो। ठीक है नितेश, डेफिनेटली इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। दो ही क्वेश्चन और पेंडिंग रह गए, इसके बाद में वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सेवेंथ, ध्यान रखूंगा इस बात को। क्या बात भाई, इतना तो सोचने का क्वेश्चन ही नहीं है, कैसे सोचने लग गए सारे। तो आंसर मैं बता दूं, आंसर जो है सबसे पहला कमेंट सत्युष आपने इस क्वेश्चन का दिया, विच इज करेक्ट आंसर। सत्युष वेल डन। मैंने 120 जान के आंसर दिया, मैं क्या 120 इज करेक्ट, मैंने कहा अगर तुम ऐसे जाने लग गए ना 120 वाले, दैट मीन्स एक दूसरे को देखे देखे फटाफट से ना रिप्लाई कर रहे हो। सक्षम वेरी गुड, सक्षम सॉरी सत्युष, सत्युष राय 96 इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, सत्युष 96 इज करेक्ट, वेरी गुड। इसलिए मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया जान के, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन की नीड ही नहीं पड़ रही यार, माइंड लगाओ ना मेरे भाई। सत्युष जी वेल डन। देखो 3 तरह की टॉफी है ना। अरे भैया फैक्टोरियल पे कहाँ पहुंच गए अभी जी, अरे कहाँ पहुंच गए मेरे भाई। ना 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 ना, देखो 3 तरह की टॉफीज हैं, अगर मैं पहले बच्चे को टॉफी देता हूं तो इसके पास कितने ऑप्शन है, इसको तीनों में से कोई भी टॉफी मिल सकती है, इसको तीनों में से कोई भी टॉफी मिल सकती है। लेकिन अब जो टॉफी ए को मिली वो टॉफी बी को नहीं मिल सकती, इसका मतलब इसके पास 2 ऑप्शन हो गए। और अब जो टॉफी बी को मिल गई वो सी को नहीं मिल सकती, तो उसके पास भी 2 ऑप्शन हो गए, क्योंकि ए वाली तो काउंट हो सकती है ना। अब सी को जो टॉफी मिल गई वो डी को नहीं मिल सकती, डी वाली ई को नहीं मिल सकती, ई वाली एफ को नहीं मिल सकती। तो आंसर क्या आएगा, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दिया 96 इज द करेक्ट आंसर। भैया इतना कहाँ सोचने लग गए। सत्युष राय वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी सब भाई कहाँ पे गुम हो गए, समझ आया, बड़ा जुगाड़ू और जबरदस्त क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन डेफिनेटली सोचने पे मजबूर कर रहा था, सिंपल प्लस इंपॉर्टेंट, तो याद रख लेना। ऐसे नहीं बोल रहा मैं लाइव क्लास में हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ, डेफिनेटली करा रहा हूँ, ठीक है ना जी। अक्षज 96 इज करेक्ट। अच्छा इस स्टूडेंट, इसका जो आंसर आपने दिया ना, तो मजा आ जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर मैं सर्कल पे लेके जाऊं और बड़ी गेम खेलेगा। ठीक है जी, अंडरस्टैंड। चलो अगर मैं इस क्वेश्चन को सर्कल पे ले जाऊं तो और बड़ी गेम नहीं हो जाएगी, देखो समझो इसको ध्यान से, मैं सिर्फ हिंट छोड़ के जाऊंगा, ठीक है, करना आप सभी नहीं है। मान लो अगर मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा होता, हमारे पास बच्चे कौन कौन है, ए बी सी डी ई और एफ। अब यहां गेम अड़ेगी एफ और ए में, कैसे देखो, अगर मैं ए को 3 तरह की टॉफीज दे रहा हूं तो बी को 2 मिलेंगी, सी को 2 मिलेंगी, डी को कोई भी 2 हो सकती है, ई को कोई भी 2 हो सकती है, एफ में आंसर फंस गया। यहां पे आंसर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। 1 क्यों आएगा, क्योंकि अगर मान लो ई, अगर मान लो
ई और ए के पास डिफरेंट काइंड ऑफ टॉफीज हैं, तो एफ के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, और अगर ए और ई के पास सेम काइंड की टॉफीज हैं तो दो ऑप्शन बचेंगे। तो इसका आंसर आप लोग बताओगे, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना? तो ये मैं नहीं करा रहा, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर चाहिए, आप सभी से चाहिए। 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 9। सर सो सिंपल बट थॉटफुल, अच्छा क्वेश्चन है यार, लाइव क्लास अटेंड करो, डेफिनेटली फायदा होगा। चलो अभी तो एक चीज और तुम्हें अनाउंस करने वाला हूँ, एंड में मजा आ जाएगा सुन के, ठीक है ना? क्या आंसर आएगा अक्षत जी, कमेंट करना, ठीक है? जब वीडियो पब्लिश हो जाएगी डेफिनेटली मैं बताऊंगा, और विद अप्रोच बताऊंगा, शायद हो सकता है आपका आंसर गलत हो, सोचना थोड़ा सा, ठीक है जी? ऐश्वर्या सर, वी हैव टू यूज सॉल्व यूजिंग केसेस डेफिनेटली, बट थोड़ा सोचना कि किस तरीके से काम हो सकते हैं, ठीक है? चलो, थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स आर सीटेड। ओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स, आर टू बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल, अमंग देम द एक्स डज नॉट वॉन्ट टू सिट विद गर्ल, वाई डज नॉट वॉन्ट टू सिट विद बॉय, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। देखो तीन बॉयज हैं, क्वेश्चन समझ लो, और तीन ही गर्ल्स हैं, तीन बॉयज हैं और तीन ही गर्ल्स हैं, ठीक है? हमें कह रहा है एक एक्स बच्चा है या एक्स बॉय है, वो किसी गर्ल के पास नहीं बैठेगा, नेबर उसकी गर्ल नहीं होनी चाहिए, और एक वाई गर्ल है जो किसी बॉय के साथ नहीं बैठेगी। तो बताओ कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकती हैं? अब मान लो अगर एक्स बॉय है तो बाकी बॉय को मान लेते हैं हम लोग ए और बी, ऐसा मान लेते हैं, और वाई को मान लेते हैं गर्ल है ना, तो W और Z कर लेते हैं, ये तीन गर्ल्स हैं। बताओ नंबर ऑफ द वेज। अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना, मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट तुम्हारा जड़ तक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जी बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, 16 2 4 8, क्या आंसर करेक्ट होगा? अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आया, दैट इज 4, विकास चौधरी। बाकी सब भाई कहाँ गायब हो गए? अरे खतरनाक क्वेश्चन देख के डर गए क्या? क्या बात कर रहे हो यार। सतीश राय क्वेश्चन मार्क 2, अभी 4, गौरव गुप्ता 2। चलो 50-50 ऑप्शन है जी, 2 और 4 में से एक का आंसर करेक्ट होगा, बताओ। अब आंसर बताओ, इसको हटा दो ऑप्शन में से, 2 और 4, जल्दी से, नहीं समझ आ रहा हो तुक्का मार दो। सर 8B का क्या आंसर आया? 8B मतलब, अच्छा 8th क्वेश्चन का, 8B का आंसर वो मैं कमेंट में बताऊंगा यार, उसके लिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है ना? ये आप लोग रिप्लाई करोगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। 4 और 2 में से एक ऑप्शन चूज करो फटाफट से, किस्मत अजमाओ अपनी। 2, मेजोरिटी 2 के साथ जा रही है भाई, 2, सभी आंसर दे रहे हैं 2।
मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है 2, जो कि एक गलत आंसर है। 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 आंसर करेक्ट है। सबसे पहले आंसर किसने दिया था? विकास चौधरी। विकास 4 इज करेक्ट। विकास, अभी, अजय, चाणक्य एंड देन शितिकांत एंड देन गौरव, सक्षम, चंदना, बिल्कुल बिल्कुल न्यूबल, बिल्कुल 4 इज द करेक्ट आंसर। अक्षज, ऐश्वर्या, 4 इज द करेक्ट आंसर। डेफिनेटली 4 इज करेक्ट। यार देखो मेरी बात सुनो, मान लो ये तीन बॉयज हैं, एक्स बच्चा किसी भी लड़की के साथ नहीं बैठ रहा, पहले या बॉय को बिठा दो या गर्ल को बिठा दो, कुछ मर्जी कर लो। मान लो पहले बॉयज बैठ रहे हैं और सर्कल पे बिठाना है, ये ए बैठ गया, ये एक्स बैठ गया और ये बी बैठ गया। तीन बॉयज सर्कल पे कैसे बैठेंगे? 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब हमें कह रहा है कि वाई जो गर्ल है वो किसी बॉय के साथ नहीं बैठेगी, इसका मतलब वाई ना तो यहां पे आ सकता है, ना ही यहां पे आ सकता है, ना ही यहां पे आ सकता है, क्योंकि किसी बॉय के साथ नहीं बैठ रही। तो सिर्फ एक ही केस बचा, कौन सा? जब वाई दोनों गर्ल के बीच में बैठी हो, यानी कि डब्ल्यू और जेड के बीच में बैठी हो, यानी कि W और Z के बीच में बैठी हो, यानी कि ये क्या हो जाएगा? W, Y एंड Z। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे Z हो, यहाँ Y हो, यहाँ W हो, तो गर्ल को बिठाने के लिए सिर्फ 2 केस हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 इज द करेक्ट आंसर। आप चाहे पहले गर्ल्स को बिठा लो, फिर भी सेम केस ही बनेगा एज इट इज, ठीक है ना। 4 इज करेक्ट। चलो, वेरी गुड विकास चौधरी, वेरी गुड विकास जी, आपने आंसर बाद में डगमगा के 2 दे दिया है ना, बाद में आंसर आपका 2 आया हुआ है जब। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 और आज के लेक्चर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नितेश आपके वाला क्वेश्चन करते हैं जो आपने डाउट पूछा था। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट बीड्स, मोती हैं, 5 डिफरेंट मोती हैं और उनसे नेकलेस बनाना है। पढ़ा था कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसने तो रिकॉर्डेड लेसन देखा है वो तो चुटकियों में आंसर दे देगा, जिसने रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखी उसको टाइम लगेगा। 5 तरह की डिफरेंट बीड हैं और बीड्स हैं और हमें नेकलेस बनाना है, जल्दी आंसर बताओ जिसने रिकॉर्डेड लेसन देखा है। 1 मिनट का आंसर, 1 सेकंड का आंसर है आपके लिए। सत्योष, 2 फैक्टोरियल मिस कर दिया रोटेशन का। अच्छा, आपने 1 ले लिया होगा ना, एक ही केस ले लिया होगा, मैं डर गया था किस्मत से डर के दे गया। किस्मत से नहीं डरने का मेरे भाई, हर किसी को रुलाती है। 12, 12, 12, 12, 12, 12, बाकी सब 2 फैक्टोरियल भी आंसर दे रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट 12 आंसर दे रहे हैं, डेफिनेटली रिकॉर्डेड लेसन आपने देखा है, क्योंकि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। 5 नेकलेस हैं और नेकलेस के केस में हम मेथड क्या लगाते हैं? n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। और जिस स्टूडेंट को नहीं पता चल रहा क्यों, गेट्स मेशर चैनल पे जाओ, लेक्चर रिकॉर्डेड लेसन देखो, 5th लेक्चर है, लास्ट के 3-4 मिनट की वीडियो को सुनो। अब n मेरे पास कितना है? 5 बाय में 2, तो आंसर क्या आया? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, विच इज इक्वल टू 12। क्योंकि एक्चुअली में रीजन क्या होता है इसका, जब भी नेकलेस का केस आता है ना, मान लो ए बी सी तीन मोती हैं, ऐसे बैठे हों या फिर ए बी सी ऐसे बैठे हों, सामने से जो पर्सन देख रहा होगा और बैक साइड से जो पर्सन देख रहा होगा उसको सेम दिख रहा होगा ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए यहाँ पे बाय में 2 किया जाता है। 12 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। नितेश, अब आपने जो डाउट पूछा था वो कौन सा क्वेश्चन नंबर था मुझे बता दो, देन मैं आपको बताता हूँ फिर। और आज के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। नितेश, कौन से क्वेश्चन में डाउट था आपका? कमेंट काफी ऊपर चला गया होगा, मुझे एक्चुअली में क्वेश्चन ध्यान नहीं है। 7th क्वेश्चन बता रहे थे क्या आप? नितेश, अगर आप लाइव हो तो बता दो, अदरवाइज फिर हम ओवर करते हैं आज का लेक्चर। और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो यू कैन टेक योर पर्टिकुलर डाउट, डेफिनेटली आई विल रिपीट दैट क्वेश्चन।
सर 9 once अगेन प्लीज। ओके अच्छा अजय आपने पूछा था क्या? नितेश 7th का आइडेंटिकल और 9th। चाणक्या जी प्रैक्टिस शीट के अंदर वो मैंने क्वेश्चन डाल दिया, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है वो। बात करते हैं उसके बारे में, और 2 मिनट मुझे बात भी करनी है, बातचीत करनी है आने वाले शेड्यूल के बारे में, जिससे आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। बस एक बार ये 2-3 डाउट मैं सभी के सोल्व कर दूं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपने पूछा नितेश 7 का आइडेंटिकल। नितेश जी मैं ये कह रहा हूं, अगर मान लो ये 3 पेयर सर्कल के अंदर बैठते तो 2 फैक्टोरियल मेथड से बैठते, और ये डिफरेंट आर्टिकल्स होते अगर, तो ये 6 आर्टिकल घूमेंगे कैसे 6 फैक्टोरियल से, लेकिन उन 6 में से आइडेंटिकल कितने हैं? 6, तो डिवाइड कर दो। 4 कितने तरीकों से घूमेंगे? 4 फैक्टोरियल, लेकिन उन 4ों में से आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे कितने हैं? परम्यूटेशन विद रिपीटेशन 4 फैक्टोरियल, और इधर 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो करके आंसर घूम फिर के 2 ही आएगा, क्योंकि इनको करने का फायदा ही नहीं है ना। क्लियर? क्लियर हुआ? क्षितिकांत लेसन देखे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टेलीग्राम वाला क्वेश्चन अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुको। फाइल के अंदर मैंने ऐड किया, जो है ना सस्पेंस छूट जाएगा, बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है वो। 7th क्वेश्चन के बारे में हमने बात की, अब आ जाओ 9th पे। अभी सिर्फ आज वाले डाउट करते हैं एक बार, ठीक है? 9th के अंदर किसको डाउट था? अजय सर 9th once again। ओके अजय जी यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, मान लो मैं बॉयज को बिठा रहा हूँ। बॉयज कैसे बैठ रहे हैं? मान लो ए, एक्स और बी, यानी कि 3 बॉयज सर्कल पे कैसे बैठेंगे? 2 फैक्टोरियल। अब वो कह रहा है जो गर्ल है ना वाई, वो किसी बॉय के साथ नहीं बैठेगी। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि उसके आगे पीछे दोनों गर्ल होंगी। अब वो चाहे डब्ल्यू जेड हो जाए और या जेड डब्ल्यू हो जाए, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 ही केस बन रहे हैं, तो आंसर 4 आ जाएगा। क्लियर? अक्षज थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सर 5 फैक्टोरियल कट हुआ है, बट 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल क्यों कट नहीं हुआ? मुन्ना जी कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? कहाँ पे कट करना रह गया बताओ? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4, वो तो मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दिया ना, यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दिया। देखो होना क्या था, 11 फैक्टोरियल था, अप टू 1 तक सोल्व होता, तो मैंने लास्ट में जैसे 5 फैक्टोरियल था, नीचे भी 5 फैक्टोरियल था, तो लिखा ही नहीं ना जान के, कट तो ऑटोमेटिक किया ही है, 4 फैक्टोरियल को भी कट ही किया है, ठीक है? वो तो छोटा करने के लिए उसको कर दिया, मतलब ऊपर भी नहीं लिखा नीचे भी नहीं लिखा, कट हो गए एक तरह से। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना? ऊपर नीचे कट किया मैंने, ऊपर भी नहीं लिखा नीचे भी नहीं लिखा, उसको वो कर दिया। अब बात करते हैं, फिर भी डाउट रहे तो डेफिनेटली बताना मुझे। और अब बात करते हैं 2 चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज एक तो कि जहां आप मेरे से पूछ रहे हो, जो टेलीग्राम के अंदर मैंने क्वेश्चन पूछा था स्नेक वाला, कि कितने तरीकों से अरेंजमेंट की जा सकती है, उसको मैंने आपकी प्रैक्टिस शीट के अंदर डाल दिया है। 1 दिन का टाइम लो, ठीक है ना? उसको मैंने प्रैक्टिस शीट में डाल दिया है, और हम उसके उस क्वेश्चन के बारे में कल डिस्कस करेंगे। बट एक चीज यहां पे नोट कर लेना, गूगल पे सर्च मत करना। गूगल पे डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा, बट मैं ये बोलूंगा ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करके देखना एक बारी, बहुत ही अल्टीमेट और यूनिक क्वेश्चन निकल के आने वाला है, बहुत ही ज्यादा यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसको हम कल वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो अनाउंसमेंट है जी, अब जो बहुत सारे बच्चों के स्टूडेंट्स के रिव्यूज आ रहे हैं, वो बहुत ही अल्टीमेट रिव्यूज हैं, गेट्स मेशर्स पे भी और मेरे चैनल पे भी। बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज के लिए, बहुत अल्टीमेट कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं, और डेफिनेटली ढूंढ रहे हैं हर एक यूनिक क्वेश्चन, रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। एक छोटा सा प्लस पॉइंट जो अभी तक मुझे कमी दिख रही है हमारे कोर्स के अंदर, वो है PYQs की। मैं इस चीज के लिए माफी चाहता हूं कि अगर पेपर से पहले पहले आपके 2, 3, 4 टॉपिक अगर रह जाएं, तो उसके लिए मुझे माफ करना, बट मैं 90% या 99% जितना भी सिलेबस कराऊंगा डेफिनेटली अच्छे तरीके से कराऊंगा, ठीक है ना? एक कमी है PYQ उसकी, तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज लेके आएंगे।
जैसे ही हमारा परम्यूटेशन विद कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, यानी कि जैसे ही हमारा हर एक टॉपिक या यूनिट खत्म होगा, हम उसके पी वाई क्यूज पे जंप करेंगे। जितने भी उस टॉपिक पे पी वाई क्यूज बने हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के अंदर हो, चाहे वो मैकेनिकल के अंदर हो, उन सारे पी वाई क्यूज के अंदर बात करेंगे। बस ये छोटी सी अनाउंसमेंट थी, ये लेक्चर लेके आऊंगा और मैं स्पेशली संडे को ये चीज करेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज्यादा लंबी जाने वाली है हमारी, ठीक है ना। बस ये छोटी सी एक अनाउंसमेंट थी। और अभी जो सक्षम है, आप डाउट पूछ रहे हो क्वेश्चन नंबर टू में, बॉय को भी गर्ल के पास नहीं बैठना था, वो केस कंसीडर नहीं हुआ। सक्षम जी, आपका जो डाउट है उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लो, मैं पहली बात तो इसके अंदर कवर ही हो गया, अगर मान लो मैं गर्ल वाले केस को लेके चलूँ, W, Y और Z को, तभी भी तो 2 फैक्टोरियल होगा। और अगर बॉय को बिठाना है, अब ये AXB ऐसे भी बैठ सकते हैं और BX से ऐसे भी बैठ सकते हैं, दोनों केस इसी के अंदर आ गए ना, ठीक है। चलो, आज का लेक्चर अच्छा लगा, समझ आया सारे क्वेश्चन, तो बिना सब्सक्राइब और लाइक किए मत जाना, क्योंकि 26 स्टूडेंट्स आर लाइव राइट नाउ और लाइक सिर्फ 5 हैं, जो कि ना इंसाफी है। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर डेफिनेटली दोगे, जो मैंने इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके सामने छोड़ा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास सिक्स्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन का, सॉरी सिक्स्थ नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। कमेंट के अंदर मुझे इसका आंसर चाहिए। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय, एंजॉय करो, गुड नाइट, खाना वाना खाओ, मस्त पढ़ो, एंजॉय मारो। और प्रैक्टिस शीट आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और इस प्रैक्टिस शीट के अंदर मैंने 5 to 6 ही सर्कुलर परम्यूटेशन के क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा करने की नीड ही नहीं है। टोटली सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, इन्हीं को दोबारा प्रैक्टिस करना। और फाइल भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर 2-3 परम्यूटेशन के क्वेश्चन भी हैं जो थोड़े एडवांस लेवल पे हैं, ठीक है। मिलते हैं जी कल, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय जी। नितेश, डेफिनेटली कराएंगे, इसके बाद में लीनियर अलजेब्रा उठाऊंगा, देन विल डिस्कस अबाउट द कैलकुलस। जैसे जैसे हमें टॉपिक कवर अप करते जा रहे हैं, डेफिनेटली हर चीज करने वाले हैं। बाय बाय बाय, टोटली करने वाले हैं, ठीक है। ऐश्वर्या, विद इन 2 to 3 डेज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। चलो, गुड नाइट, बाय बाय, खाने का टाइम हो गया, और फटाफट से जो है फ्रैक्चर को आराम देते हैं, ठीक है, बैठे बैठे जो है। चलो बाय।